Good morning, students. Today we will discuss about components of food. Food is basic requirement of our body. जो food है वो हमारी body के लिए basic requirement है. अभी हम आपको समझाएंगे कि basic requirement है क्यों. Our body is a complex machine. Our body is a complex machine. तो body क्या हो गई? Machine हो गई. Body हमारी क्या हो गई? Machine हो गई. अब देखिए जो machine होता है machine के अंदर बहुत सारे process होते हैं, work होते हैं. मशीन क्या करता है? वर्क करता है ना. तो वैसे ही अगर बॉडी मशीन हो गई तो बॉडी भी वर्क करेगी. बॉडी क्या करेगी? वर्क करेगी. मशीन को वर्क करने के लिए फीड की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर बॉडी मशीन है, अगर बॉडी मशीन है तो बॉडी को फीड की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम लोग मशीन को क्या करते हैं? फीड देते हैं. वैसे ही बॉडी को हम लोग फूड देते हैं. बॉडी को हम लोग फूड देते हैं. वो फूड उसी वही फूड उसी फूड से बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेता है. बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेता है मतलब कि जो बॉडी मशीन है, बॉडी एक मशीन है, वो न्यूट्रिएंट्स देती है और अपने सारे वर्क करती है. हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में न्यूट्रिएंट्स क्या है. देखिए न्यूट्रिएंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है. बॉडी एक मशीन है जो बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो न्यूट्रिएंट्स है. और ये न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं. किससे? फूड से. तो अभी हमने क्या सीखा कि ऑल बॉडी इज ए मशीन. अगर बॉडी मशीन है तो बॉडी को वर्क करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी. वो फ्यूल हमें मिलता है फूड से. वो फ्यूल हमें कहां से मिलता है? फूड से. अब देखिए फूड हमें क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स देता है. फूड न्यूट्रिएंट देता है. तो फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा देता है? तो फूड देता है कार्बोहाइड्रेट. फूड है न्यूट्रिएंट देता है. न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इन्हीं जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, इनमें यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड है. यही क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हो गया है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हो गया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट. ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग अभी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमें पता है व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है. और ये सारे को मिला के हम लोग वन वर्ड में न्यूट्रिएंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट. क्लियर. चलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनके बारे में हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट. देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है सबसे सिंपल वो टू टाइप है. पहला है एक है ये तो सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. मैं इसके बारे में आपको अभी डिटेल से बताऊंगा. तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. इसको प्लांट में एनिमल मिलके
सेलुलोज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च और सेलुलोज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च और सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? अब देखिए स्टार्च जो है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। स्टार्च को जो बॉडी है वो डाइजेस्ट कर लेती है, बट सेलुलोज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट के लिए इतना टॉपिक आपके लिए सब सेम था। हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन इज बॉडी प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स जो प्रोटीन होता है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन जो है बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन देखिए पल्सेस में सोयाबीन में प्रोटीन मिलते हैं। क्लियर? मैं तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसका डिस्कस कर लू। देखिए ग्रेप्स राइस इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और पल्सेस और सोयाबीन में क्या मिलते हैं आपके प्रोटीन मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू।